यूपी में स्पोर्ट्स इंजरीज पर होगा फ्री इलाज, बदायूं से चुनाव लड़ सकती हैं डिंपल यादव। बरेली में दोस्त ने काट डाला प्राइवेट पार्ट, गायों के दुश्मन तस्कर बरेली में गिरफ्तार। पेट्रोलियम अफसर के यहाँ लाखों की चोरी, बरेली की शख्सियत शायद शारिक कैफी। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज स्टूडियो नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी सरकार खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें बीमा लाभ देने जा रही है। स्पोर्ट्स इंजरीज पर खिलाड़ियों का 5 लाख तक का इलाज फ्री हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के मुताबिक स्पोर्ट्स इंजरीज खिलाड़ियों की बड़ी समस्या रहती है, इसके लिए सरकार खास कदम उठाने जा रही है। यूपी के खिलाड़ियों का एकलव्य क्रीड़ा कोष से स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा, जिससे कि वह चिंता मुक्त होकर अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सके। साथ ही खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाओं के साथ साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी मदद देने की पहल की जा रही है। LIC से खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराने को बातचीत चल रही है। किसी भी खेल प्रतियोगिता व प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो उसे अधिकतम 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद उपचार के लिए दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत चेहरों की खोज का काम जोर शोर से शुरू कर दिया है। जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए पार्टी आला कमान कई स्तर से जानकारी जुटा रहा है। बदायूं से पार्टी में डिंपल यादव का नाम तेजी से उभर रहा है। बदायूं सपा से इसकी आवाज उठ रही है। बरेली से पूर्व मंत्री अताउर रहमान, पीलीभीत से पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का नाम भी प्रमुखता से चर्चा में आ रहा है। सपा नेताओं का कहना है कि आंवला लोकसभा सीट के जातीय समीकरण को देखते हुए पार्टी यहां से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार सकती है। शाहजहांपुर सुरक्षित सीट के लिए भी सपा में कई नामों की चर्चा चल रही है। यहां बता दें कि सपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव बसपा के साथ मिलकर लड़ा था। बरेली मंडल की सभी सीटों पर गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि मुरादाबाद मंडल में गठबंधन के सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। यूपी के बरेली में एक दोस्त के द्वारा दूसरे का प्राइवेट पार्ट काट देने की घटना सामने आई है। झगड़े में लहूलुहान होने के बाद दोनों दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि दोनों युवक बारदरी इलाके के रहने वाले हैं। इनमें से एक संविदा सफाई कर्मी है। दोनों की दोस्ती के चर्चे इलाके में पहले से ही होते थे। ज्यादातर समय दोनों एक साथ ही नजर आते थे। शनिवार को दोनों होटल में गए थे, जहां उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। चर्चा है कि झगड़े की वजह आपस का ही अश्लील वीडियो वायरल करने की बात थी। मारपीट में एक युवक ने धारदार हथियार से दूसरे के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चुटेल आया है, पहले बबलू नाम का आया था। उसके गले में चोट थी और सिर पे भी चोट थी, नाक पे चोट थी। उसका प्राथमिक उपचार कर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद एक चुटेल और आया, उसके भी काफ़ी चोटें थी, हाथ पैर में और प्राइवेट पार्ट में भी चोट थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। उसको तुरंत शिफ्ट किया गया OT में और इलाज शुरू कर दिया गया है। बरेली पुलिस ने गायों के साथ क्रूरता और वध के मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। धरपकड़ के दौरान 7 पशु तस्कर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटाई गई हैं। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक योगी सेना के पदाधिकारी हिमांशु पटेल ने इलाके में गौवध और क्रूरता के मामले में थाना भोजीपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद भोजीपुरा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तस्करों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। यहां बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बरेली के अंदर कई जगहों पर पशु अवशेष मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। हिंदू संगठन ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठा रहे हैं। आला अफसरों ने सभी थानों की पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ में जुटाया है। बरेली में भारत पेट्रोलियम के रिटायर्ड अफसर के घर में लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। चोर घर के ताले तोड़कर 12 लाख से अधिक का माल जेवर समेट ले गए। वारदात थाना इज्जतनगर क्षेत्र की सिल्वर स्टेट कॉलोनी में हुई। भारत पेट्रोलियम में फील्ड अफसर रह चुके हरीश कुमार का घर चोरों के निशाने पर आया। चौंका देने वाली बात यह है कि गेट बंद कॉलोनी सिल्वर स्टेट में चोरी की घटना ने नागरिकों की नींद उड़ा दी है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। चोरों की तलाश में टीमें दौड़ती रही, मगर उनका कोई सुराग नहीं लग सका। बरेली की शख्सियत में आज बारी है मशहूर शायर शारिक कैफी की। शारिक कैफी गजलकार और शायर हैं और उनको बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। शारिक कैफी का जन्म 1961 को बरेली में हुआ। पिता कैफी बजदानी भी मशहूर शायर रहे। शायरी उन्हें विरासत में हासिल हुई। उनके कई गजल संग्रह खासे लोकप्रिय हुए हैं। वैसे तो साहित्य कविता शायरी के क्षेत्र में बरेली की खास पहचान पूरी दुनिया में है, मगर शारिक कैफी की शायरी और गजलें भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। गजलकारों की फहरिस्त में
शारिक कैफी का नाम अलग मुकाम पर नजर आता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।